शेयरिंग स्क्रीन की ऑप्शन मुझे मिल जाएगी तो वो मतलब ठीक काम है, चल वो तो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है बाय डिफॉल्ट ही, तो आप स्क्रीन, नहीं वो पहले मुझे, मैंने ट्राई की थी, अब दे रहा है। ठीक है मैम, हाँ अब आ गई है हाँ वो। ठीक है ठीक है। अभी अभी बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जैसे 5:35 हो गए आई थिंक, लेकिन हम स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, मैंने शुरू कर दिए। अच्छा ठीक है मैम, मैं शुरू करता हूँ फिर। फैसल, आपने अब तो क्योंकि प्रेयर ब्रेक नहीं है, तो यू कैन टेक अराउंड 30 to 45 मिनट्स, यस तो मैम, मैं तकरीबन 6:10 से पहले पहले इसको खत्म कर लूंगा, 6 से 6:10। ठीक है। और उसमें फिर ये कि क्वेश्चन जो है वो सब लोग नोट करते जाएं, और एंड ऑफ द सेशन जो है फिर हम क्वेश्चन आंसर से कर देंगे। अब ये फैसल जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये मैंने जिस तरह पहले बताया था कि हमने इस कोर्स में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट ये है कि दे हैव टू रीड सर्टन पेपर्स, सर्टन नंबर ऑफ पेपर्स, एंड दे हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू। जो पेपर्स भी ये प्रेजेंट कर रहे हैं, दीज पेपर्स आर पार्ट ऑफ योर कोर्स, और इसको अंडरस्टैंड करना है आपने, और जहां पे भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी आती है, तो यू हैव टू आस्क देमसेल्फ, यानी इन्हीं से आप पूछेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि इससे होगा कि हमने समरी क्रिटिक्स वैसे तो लिखी है आरएम के कोर्स में, कंप्यूटर फोरेंसिक में हमने एक बार लिखी, लेकिन इसमें ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी काम को क्रिटिकली कैसे देखा जाता है। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद योर क्वेश्चन, एंड ऑफ सेशन फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओवर टू यू फैसल। थैंक यू सो मच मैम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी हजरात, आप लोगों के लिए एक मजीद हर्डल या एक मजीद प्रॉब्लम टुवर्ड्स योर फाइनल ग्रेड पैदा करने के लिए। जैसे कि मैम ने कहा है कि इट विल बी पार्ट ऑफ योर मतलब लाइक फाइनल एग्जाम एंड वट एवर। तो आज जो मैंने पेपर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ मैम, वो एक रिव्यू पेपर था और इसका टाइटल था APT डेटा सेट एंड अटैक मॉडलिंग फॉर ऑटोमेटेड डिटेक्शन मेथड्स अ रिव्यू। इसको सेलेक्ट करने की दो तीन वजूहात थी, वो मैं थोड़ा सा आगे जाके भी आपसे डिस्कस करूंगा। इसके जो ऑथर हैं वो तीनों नाम हैं और तीनों थोड़े से मुश्किल थे, इसलिए आप इनको रीड कर लीजिए। प्रोनंसिएशन इनकी मे बी अगर मैं ट्राई भी करूंगा तो गलती होगी। और ये तीनों एक काफी प्रीमियर किस्म का रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रिया में, जुआनियम रिसर्च, जो कि मुख्तलिफ एरियाज में लाइक मेडिकल, हाई टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोसाइटी, प्रोडक्शन और इंफॉर्मेशन, इन एरियाज में इनके अपने अपने पूरी पूरी रिसर्च कोलेबोरेशन हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ और उनके अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे होते हैं। ये हमारा एक हायरार्की या एक उसकी वो होगी, पेपर की भी हायरार्की यही थी और तकरीबन कमोबेश हमारी प्रेजेंटेशन के हवाले से जो हायरार्की है उसमें हम इन्हीं सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर चूंकि ये APT अटैक ये डेटा सेट्स के ऊपर है तो फिर जो करंट APT अटैक्स हैं उनका कुछ हल्का सा लाइट सा तज़करा होगा। फिर उसके बाद डेटा सेट की क्रिएशन कैसे होती है उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। देन फिर अटैक मॉडलिंग का कुछ जिक्र होगा और उसके बाद फिर वो जो डेटा सेट्स होते हैं उसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या मेथडोलॉजी जनरली इख्तियार की जाती है। ये सब डिस्कस करने के बाद आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बन चुकी होगी किसी डेटा सेट के हवाले से, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिसर्चर को देखने चाहिए या वो देख रहे होते हैं। और देन फिर हम लोग इसके आखिर में जो इसका क्रक्स है वो डिस्कस होगा कि डेटा सेट फॉर APT डिटेक्शन कौन कौन से करंटली इस वक्त अवेलेबल हैं और देन उनके एंड में जो ऑथर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या कंक्लूड किया। क्वेश्चंस वगैरह जो आएंगे वो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और एंड में हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि चलें जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो मैं उनका कोशिश करूँगा आपका आंसर देने का, लेकिन इस पेपर को मैंने खुद दो तीन दफ़ा पढ़ा है तो मुझे कुछ समझ आई है। तो मैं भी यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो एटलीस्ट डेटा सेट के हवाले से ये पेपर जो है ना बड़ी इंसाइट प्रोवाइड करता है और इवन जो पेपर फिर फर्दर इसने रेफरेंस किए हुए हैं वो भी ना, तो वो आपको लेटर ऑन किसी ना किसी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं अपने जो आगे MS के हवाले से या जो लोग PhD कर रहे हैं उसके हवाले से अगर उनकी वर्किंग में जब रिसर्च कर रहे होंगे तो वहाँ पे शायद ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। और यही इस पेपर को सेलेक्ट करने की वजह भी थी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ऑलरेडी हमारा MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या जो जो हमारी फील्ड्स हैं वो करने का मकसद भी यही है कि जो हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में प्रवेल करते जा रहे हैं और उनके हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा अमल दखल की वजह से उनके साथ वाबस्ता थ्रेट्स जो हैं वो भी उतने ही हम लोगों की पर्सनल लाइफ को, ऑफिशियल लाइफ को, एंटरप्राइजेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं।
और उन इम्पैक्ट्स को डिटेक्ट करने के बाद ही चूंकि आप रोक सकते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसीडर होती है वो होती है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। अच्छा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नॉर्मली तो ये करते हैं कि आप अपने पास, आपका एंटरप्राइज है, आपका अपना कंप्यूटर है, आपका एक नेटवर्क है, उसमें आप इंस्टॉल कर देते हैं, कन्फिगर कर देते हैं, और कन्फिगर करने के बाद वो आपके उस जो भी एक्टिविटी उस एरिया में उस नेटवर्क में हो रही है उसको मॉनिटर करते रहते हैं, और मॉनिटर करने के बाद अगर कोई मतलब कोई उनको लगता है कि कोई मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसको डिटेक्ट करके आपको अलर्ट जनरेट कर देते हैं, और अगर वो IPS हो यानी कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी हो या उनके अंदर ये कैपेबिलिटी भी हो तो वो उसको फिर रोकने की भी पूरी कोशिश करते हैं एज पर जो भी उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई होती है। लेकिन आपको पता है कि ये IDS डिटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन डिटेक्ट करने से पहले ना उनको ट्रेन किया जाता है कि कौन सी ट्रैफिक या किस तरह का पैटर्न जो है ना ये मिलिशियस हो सकता है और किस तरह का पैटर्न मिलिशियस नहीं होगा। ये वैसे ही है कि जैसे आप किसी डॉग को लेते हैं तो बिल्कुल बेयर होता है, देन उसको आप ट्रेन करते हैं कुछ कमांड्स के ऊपर, आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है, ये एक्शन परफॉर्म करना है, ये एक्शन परफॉर्म करना है, उसके बाद जब लेटर ऑन उसको यूटिलाइज करते हैं डॉग को तो वो फिर आप उसको वही वाली कमांड बताते हैं, तो उसके ऊपर चूंकि आपने उसको सिखाया होता है कि अगर इस तरह की कमांड दी जाए तो आपने एक्शन परफॉर्म करना है, तो सेम वे IDS जो होते हैं उनको पहले ट्रेन किया जाता है, उनके अंदर वो जो पूरा इंजन होता है डिटेक्शन का उसको मेकअप किया जाता है कि किस तरह की एक्टिविटी को आपने कैसे ट्रीट करना है। तो वो जो ट्रेनिंग होती है ना वो बेसिकली डेटा सेट के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। तो उनको IDS के इंजन को पहले डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन किया जाता है, और देन फिर उस ट्रेनिंग की बेस के ऊपर जब आप उसको अपने पास अपने किसी एंटरप्राइज में इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो उसके अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है, और जहाँ पे उस ट्रेनिंग के मुताबिक उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिलिशियस एक्टिविटी या थोड़ी सी अब नॉर्मल चीज डिटेक्ट हो रही है उसको फिर वो हाईलाइट करके जो भी उसके आगे एक्शन कन्फिगर किए गए होते हैं उनके मुताबिक वो परफॉर्म करता है। अच्छा, अब नॉर्मल एक्टिविटीज तो चलें ठीक थी, चल रही थी और उसके मुताबिक मामलात डिटेक्ट हो रहे थे, अलर्ट जनरेट हो रहे थे या उनको प्रिवेंट किया जा रहा था। अभी जो पिछले 4-5 साल से एक लेटेस्ट ट्रेंड मेलवेयर या मलिशियस एक्टिविटीज में जो राइज होना शुरू हो गया है वो है APT। APT है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट क्या होता है इसका मैं आपको थोड़ा सा अलग से मैंने एक स्लाइड बनाई हुई थी उसका आइडिया दे देता हूँ, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पेपर। तो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 3 अल्फाज का मजमुआ है जिसमें से एडवांस रेफर करता है इंतहाई स्टिल्थी और डेटा फोकस्ड अटैक के ऊपर, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात या इनका जो सबसे नुमाया पहलू होता है वो ये होता है कि वो एज पर द रिस्पॉन्स अपनी टेक्निक्स को मजीद बेहतर बनाते जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टेक्निक के थ्रू किसी को हैक करने की कोशिश की और उसने देखा कि ये टेक्निक अब डिटेक्ट होना शुरू हो गई है तो वो अपनी उस टेक्निक में थोड़ी सी चेंजेस ला के उसको फर्दर इम्प्रूव करके या उसके अगेंस्ट जो दूसरी साइड ने प्रोटेक्शन मेजर्स इख्तियार किए हैं उनको स्टडी करने के बाद अपनी टेक्निक्स में कुछ तरह की चेंज लाएगा कि वो जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उनको नलीफाई कर दिया जाए। तो ये इसके अंदर एडवांसमेंट होती है। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये लोग ऐसी मतलब थ्रेट्स नहीं होते कि बस आपके कंप्यूटर पे या आपके नेटवर्क पे अटैक आया और आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी या डाटा को उसने डिस्ट्रप्ट किया और उसके बाद ख़त्म हो गया, नहीं। इनका टारगेट ये होता है कि हमने लॉन्ग टर्म में उस नेटवर्क पे जिसपे हमने अपना होल्ड लिया है वहाँ पे अपनी प्रेजेंस कायम रखनी है विदाउट डिटेक्शन, और फिर वहाँ से हमारा जो भी टारगेट है लाइक डाटा इंक्रिप्शन है या कोई डैमेज करनी है उसको हमने मतलब लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रखवाना है। ये नहीं करना कि बस एक फायर एंड फॉरगेट वाला काम कर दिया कि हमने अटैक किया अगले बंदे की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल किया और साथ ही अटैक खत्म हो गया। और थ्रेट इसके अंदर जो मेजर होते हैं वो तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द डाटा होती है जिसके लिए APT को तैयार किया जाता है कि आप किसी के नेटवर्क को हैक करके वहाँ से अपना जो काम का डाटा है उसको आप कंस्टेंटली गेट करते रहें फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ऑन द अदर हैंड कुछ और इसके अंदर हम आगे जाके टेक्निक्स देखेंगे जिनको यूज़ करते हुए ये भी किया गया कि आप उनको कंटिन्यूस हार्म पहुंचाते रहें लेकिन स्लो पॉइजन की फॉर्म में, फौरी नहीं, आराम आराम से हल्के हल्के से, जिससे उनको एहसास भी ना हो कि कुछ गड़बड़ हो रही है लेकिन उनका जो सिस्टम है उसके अंदर कंटिन्यूसली इशूज राइज होते रहे। तो ये था एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का तारुफ। तो ये जो पेपर है
ये बेसिकली चूंकि एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट की डिटेक्शन के ऊपर है बेस कर रहा, तो इन्होंने जो बड़ा अच्छा काम किया है वो ये किया है कि इन्होंने दो कैटेगरीज को लेकर ये पूरा रिव्यू परफॉर्म किया है, जिसमें से पहली कैटेगरी है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की और दूसरी कैटेगरी है साइबर फिजिकल सिस्टम की। तो इसने अगले जितने भी सेक्शंस हैं उसमें उसने इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर डिस्कशन की है अलग अलग। क्यों? इसलिए कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा एपीटी का जो टारगेट होता है वो डिफरेंट होता है, और साइबर फिजिकल सिस्टम के ऊपर जो एपीटी अटैक्स होते हैं उनका थोड़ा सा मतलब मोड चेंज होता है। तो वो क्या है, वो ग्रेजुअली हर सेक्शन के अंदर हम इसको मतलब देख लेंगे। तो जैसा कि पेपर के जो रिसर्चर्स हैं उनके ख्याल में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के सिनेरियो में जो अटैकर्स के मेन गोल होते हैं वो नंबर एक तो ये कि उन्होंने उस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंशियल डाटा गेन करना होता है। फॉर एग्जांपल वो अगर किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे जो उनके क्लाइंट्स हैं उनका डाटा, उनके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह वगैरह, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना वो चाहते हैं कि उनको कॉन्स्टेंटली मिलती रहे वहाँ से। और दूसरी उनका जो टारगेट होता है प्राइम, वो ये होता है कि वो जितना पॉसिबल हो अनडिटेक्टेड रहें ताकि लॉन्ग टर्म तक उनको वो डाटा मिलता रहे। और इसके जो पॉसिबल टारगेट्स होते हैं उनकी नज़र में वो लार्ज एंटरप्राइजेज होती हैं, जितना लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है और रेड हैट है, इस तरह की जो बड़ी हाईटेक फर्म्स हैं जिनके पास क्या होता है उनकी एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके सोर्स कोड हो सकते हैं, उनके को मॉडल्स हो सकते हैं, उनकी को डायग्राम्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कि वो गेट करके उनके जो कंपेटिटर्स हैं उनको बेच के फ़ायदा उठाया जा सकता है, या उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करके उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है डाटा गेट करके। इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के सिस्टम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स हो सकते हैं, बैंक्स लाइक ये जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री है इसके ऊपर इस तरह के थ्रेट्स आते रहते हैं। और अब चूंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नेटवर्क इवॉल्व हो रहे हैं तो उन वो भी इसका टारगेट होते हैं, किसका, ये जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस करते हुए अटैक होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड साइबर फिजिकल सिस्टम के सिनेरियो में जो अटैकर का मेन गोल होता है वो एक तो ये होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डाटा है उसकी इंटेग्रिटी को वायलेट करे, या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट डाला जाए। और इसके जो टारगेट्स होते हैं जो कि साइबर फिजिकल सिस्टम में आते हैं वो आ सकते हैं आपके वाटर प्लांट्स, डैम्स, ठीक है, पावर ग्रिड्स, ये जो बड़े बड़े जो पूरे पूरे शहरों की पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रही होती हैं, कोई बड़े बड़े लाइक एंटरप्राइज लेवल की कोई कारखाने वगैरह, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ वगैरह, और इसके अलावा डिफेंस साइट की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होती हैं वो इस साइबर फिजिकल सिस्टम की एपीटी के अटैकर का मेन टारगेट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये रिसर्चर्स हैं इन्होंने यहाँ इसके सेक्शन नंबर 2 में इस पेपर के कुछ अटैक का जनरली डिस्कस किया है थोड़ा सा, और मैंने उनको मज़ीद समराइज करके लाइक एक एक पैराग्राफ में उन्होंने जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो नॉन प्रोमिनेंट अटैक्स हैं उनको डिस्कस किया है, और देन फिर इनके ऊपर पीछे पूरी पूरी रिसर्चेस या पेपर्स अवेलेबल हैं हर एक अटैक के ऊपर, एक बल्कि जो अच्छे अटैक हैं उनके ऊपर तो कई की पेपर्स और कई की रिसर्चेस हुई हैं अपना। तो वही जो प्रोमिनेंट अटैक है उसमें सबसे पहला जो अटैक इस पेपर में डिस्कस किया गया है वो है मूनलाइट मेज। ये 1996 से 1998 के दौरान वकूफ पजीर हुआ था, और उसका जो टारगेट थी वो US मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के नेटवर्क से। और जब इन्होंने उसकी ट्रेसिंग की तो इसके जो डांडे हैं वो जाके रशिया में पाए गए थे कि वहाँ से अटैक लॉन्च हुआ था, और वहाँ पे इसके जो मेन कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स हैं वो चल रहे थे, वहाँ के IP से मिलिशियस एक्टिविटीज जनरेट हो रही थी। लेकिन इस अटैक का इशू ये था कि चूंकि ये US मिलिट्री के ऊपर टारगेटेड था तो इसकी सवाए नाम के हवाले से बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो पब्लिक नहीं की गई, जो भी इसके ऊपर फोरेंसिक हुई कैसे उन्होंने डिटेल्स वगैरह ली। तो इसके ऊपर आपको मतलब करंट रिसर्च जो है, जो अवेलेबल लिटरेचर है उसमें आपको इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। सेकंड जो अटैक था वो घोस्टेड का अटैक के नाम से जाना जाता है, जो कि 2008 से 2009 के दौरान मतलब वकूफ पजीर हुआ। इसका जो टारगेट थी वो तिब्बत जो एक कंट्री है चाइना के बिल्कुल साथ, उसकी जो भी दुनिया भर में फैली हुई ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उस तिब्बत या वो दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा उनके मतलब रेफरेंस में काम कर रही होती थी, या जो तिब्बत के दुनिया भर में जहाँ जहाँ सफारत खाने थे उनको टारगेट किया गया था, जो तिब्बतियंस की जो दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन या कोई लाइक उनकी कोई एंटरप्राइजेज वगैरह थी उनको देखा गया। और इसका जो
ट्रेस बैक है वो जाके चाइना से मिल रहा होता था. और ये अटैक क्या करता था, जो घुसनेट होता था, ये जब भी किसी कंप्यूटर का कंट्रोल टेक ओवर करता था तो उसके बाद ये उस सिस्टम में ये कैपेबिलिटी इख्तियार कर लेता था कि वो उस सिस्टम के अंदर फाइल सर्च कर सकता था, फाइल नेट से डाउनलोड कर सकता था, उसके ऊपर लाइक को मेलवेयर है, को मजीद अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ द वायरस है, उसके बाद उस कंप्यूटर पे मौजूद जो फाइल्स हैं उनको सर्च करने के बाद जो उसमें से काम की फाइलें लग रही हूँ उस एल्गोरिदम को जो मेलवेयर के अंदर है वो उसको अपलोड कर लेता था अपने सर्वर्स के ऊपर. और इसी तरह से माइक्रोफोन और कैमरा और जो इस तरह की अटैच्ड कंप्यूटर के साथ डिवाइसेस होती हैं उनको कंट्रोल कर सकता था. और अब आपको पता है कि जैसे एंटीवायरसेस वगैरह हैं वो अब इस चीज़ को भी टैकल कर रहे होते हैं कि आपके माइक्रोफोन और कैमरा और इस तरह की चीज़ों को वो जो है ना किसी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल प्रोवाइड ना करें. वो जो भी शुरू में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ रही थी वो अभी इसी वजह से रही थी कि वो जो मेरा एंटीवायरस लगा हुआ है ना वो मुझे मतलब जूम कनेक्ट करना चाह रहा था माइक्रोफोन से बट वो उसको अवेलेबल नहीं कर रहा था माइक्रोफोन, इसी वजह से मेरी आवाज़ जो है जा नहीं रही थी. तो अभी जो मैं आपको ये दोबारा से मीटिंग मतलब इसमें हूँ तो वो मैंने अपना एंटीवायरस जो है डिसेबल किया हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनने को मिल रही है. अगला जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अटैक डिस्कस हुआ हुआ है वो हाइड्रोप या ऑपरेशन अरोरा के नाम से जाना जाता है लिटरेचर में. ये 2010 में लाइक आइडेंटिफाई हुआ और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 6 महीने की थी. इसने टारगेट किया था गूगल, एडोब, जूनिपर, सिमेंटेक और इस तरह की जो बड़ी बड़ी सिलिकॉन वैली की कंपनीज हैं उनको. और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता था, उस वक्त 0 डे थी. और उसके बाद एक्सप्लॉइट करने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनके कमिंग वेरिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसमें क्या इन्होंने नए फीचर दिए हैं, लाइक अगर लाइक माइक्रोसॉफ्ट है तो वो अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ का सोर्स कोड अगर कहीं पड़ा हुआ है तो उसको टारगेट करके अपलोड करने की कोशिश करता था. तो इस तरह की जितनी भी टेक्निकल किस्म की कंपनीज थी सिलिकॉन वैली की, इस अटैक का टारगेट वो थी. और ये 6 महीने के बाद चूंकि इनका टारगेट भी हाई लेवल के वेंडर से, तो 6 महीने के अंदर अंदर ये डिटेक्ट हो गया था और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया रिलेटिव मेजर्स अख्तियार करके. उसके बाद कार्बनैक के नाम से एक 2013 से 14 के दरमियान एक अटैक डिटेक्ट हुआ जो कि मतलब 14 में डिटेक्ट हुआ, 2013 से पता चला कि ये एक्टिव था. और इसका टारगेट थी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े बैंक्स यूएस के, और ये जो वीज़ा प्रोसेसिंग और मास्टर कार्ड और इससे रिलेटेड ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही होती है अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह, इन के जो मेजर सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर इसके ट्रेसेस पाए गए थे. और इसका जब उन्होंने रिसर्च की तो आइडेंटिफाई हुआ कि तकरीबन ये 2.5 से 10 मिलियन डॉलर पर बैंक उस ज़माने में 2013-14 में उसने पर बैंक को फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया. और ये किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग से, स्पीयर फिशिंग से, लाइक एक बैंक का कोई एग्जीक्यूटिव है उसको एक ईमेल भेजी गई कोई मेलिशियस लिंक के साथ और उसको शो ये किया गया कि ये ऑफिशियल ईमेल है और इस तरह से उसने क्लिक किया तो वो एक बैकडोर इंस्टॉल हो गया. बैकडोर के बाद की लॉगर इंस्टॉल हुआ, वहाँ से मजीद पासवर्ड गेन हुए, फिर वहाँ से रिमोटली एक्सेस किए गए उसके इंटरनल सर्वर्स और इस तरह से करके वो हर एक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस तरह से उसके एक दो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट करते थे, उनके थ्रू उनके नेटवर्क में घुसते थे और वहाँ से फिर की लॉगिंग के थ्रू उस एग्जीक्यूटिव के यूजर नेम पासवर्ड्स की मदद से फिर मजीद जो इंटरनल नेटवर्क होता था उसके अंदर रिमोटली एक्सेस कर करके सिस्टम और फिर अपनी मजीद एक सुरंग बनाते चले जाते थे और वहाँ से फिर डाटा एक्सट्रैक्ट करते चले जाते थे. 2014 में डिटेक्ट हो गया, उसके बाद इसको फिलहाल ख़त्म कर दिया गया. लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि APT की जो खासियत एक ये होती है कि वो लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को सामने रखते हुए अपनी अटैक की टेक्निक्स को चेंज करते रहते हैं. तो लेटर ऑन पता चला कि नहीं, ये 2017 में इसी का चेंज वेरिएंट फिर से आइडेंटिफाई हुआ और पता ये चला कि 2014 से 15 के दरमियान में जब ये एक्टिव था, 2013 से 14 के दरमियान में, और 2014 में जब इसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर इसको ख़त्म कर दिया गया, एक्चुअली इसके बिहाइंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसने अपने उन अटैक्स वेक्टर को चेंज किया और दोबारा से वो ये अपना वही वाला सर्कल एक्टिवेट कर लिया जो कि 2017 में दोबारा से आइडेंटिफाई हुआ. तो इसका जो पीरियड है वो तकरीबन 4 साल का बनता है. इसके बाद स्ट्रोटनियम है जो कि 2019 में अप्रैल में डिटेक्ट हुआ. ये IoT डिवाइसेस को टारगेट कर रहा होता था और उन IoT डिवाइसेस को हैक करने के बाद ये करता ये था कि उस नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक होती थी उसको स्निफ करता था और वहाँ से एडमिन क्रेडेंशियल्स और इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई करके वो अपने टारगेट जो भी जो 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 मिलिशियस एक्टर था बिहाइंड दैट उसको इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहा होता था इंटरनेट के ऊपर. इसी तरह से उन्होंने फिर मजीद
कुछ और छोटे अटैक 2013 से 2019 के दरमियान एपीटी के हवाले से डिफरेंट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी इन्होंने डिस्कस किए हैं. लेकिन ये जो मैंने चार पांच सेलेक्ट किए हैं, ये जो थे ना, ये मेजर और प्रोमिनेंट किस्म के अटैक थे. ठीक है, तो बाकी की जो अटैक जिनकी थोड़ी बहुत डिटेल वहाँ पे दी हुई है, वो आप इस पेपर को पढ़ते हुए वहाँ से ले सकते हैं. तो दूसरा एस्पेक्ट है वो था साइबर फिजिकल सिस्टम का सिनेरियो. साइबर फिजिकल सिस्टम में जो सबसे मेजर और अब तक का प्रोमिनेंट तरीन अटैक कंसीडर होता है, वो स्टक्सनेट का अटैक है, जो कि 2010 में किया गया था ईरान की न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनके ऊपर. और ये जो ईरान का जो स्कैडा सिस्टम था, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जो कि वहाँ उनकी इन यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए जो सेंट्रीफ्यूजेस यूज होते थे, जो कि नॉर्मल यूरेनियम को लाइक बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं, उनको टारगेट करता था और उनके अंदर खराबी पैदा करता था. कैसे करता था वो, अगर आप स्टक्सनेट को सिर्फ ऐसे ही मतलब सर्च कर लेंगे गूगल के ऊपर, तो आपको इसको बेतहाशा रिसर्च लिटरेचर मिल जाएगा. तो वो मतलब एक कुछ खास तरीके इख्तियार करते हुए वो ये काम करने की कोशिश करता था, और उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया जब तक ये डिटेक्ट नहीं हुआ तब तक. और इसके अंदर मल्टीपल जीरो डे वल्नरेबिलिटीज को हैक करने की कैपेबिलिटी थी, और इससे पता ये चलता है. और उसके बाद ना सिर्फ हैक करने की कैपेबिलिटी थी, बल्कि उसके बाद जो इसके डिज़ाइनर थे, जो इसके कोडर्स थे, उनको इतना भी पता था कि जो किसी एटमी प्लांट के अंदर जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो कैसे काम करती हैं, उनको कैसे प्रोग्राम किया जाता है, और अगर हमने उनसे कोई गलत काम करवाना हो या उनको गलत एक्टिविटी उनसे ऑपरेशन प्रोड्यूस करवाने हो, उसके लिए हम कौन सी कमांड और कौन सी लैंग्वेज और किस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो गलत बिहेव करेंगी, तो इससे जाहिर होता था. और उसके बाद इसको ट्रैक बैक किया गया तो पता चला कि ये तकरीबन इसराइल और यूएस से, जो कि कन्फर्म तो नहीं है लेकिन बहरहाल जो सारे शवाहिद थे वो ये बता रहे होते थे कि इस अटैक की बेस बैक पे इसराइल और यूएस से थे, जिन्होंने अपने टॉप साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट प्लस टॉप आईटी के लोगों को मिलाकर एक टीम डिज़ाइन की, जिसने इस हाई लेवल का साइबर फिजिकल सिस्टम का एक एपीटी डिज़ाइन किया. दूसरे नंबर पे डाकू था, जो कि हाईटेक कंपनीज को टारगेट कर रहा होता था, और इसका काम ये था कि वहाँ जो हाईटेक कंपनीज हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कैसे उनकी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो डाटा स्टील करके ये अपलोड करता रहता था अपने जो भी अटैकर से उनके रेलिवेंट कमांड एंड कंट्रोल सर्वर तक. और तीसरा फ्लेम था, जो कि इसी तरह से हाईटेक कंपनीज को टारगेट कर रहा होता था. जाहिर है जो साइबर फिजिकल सिस्टम के सिनेरियो में जो भी एपीटीज आ रही हैं वो सब की सब वही होंगी जो टारगेट कर रही हैं किसी लाइक इस तरह के इंडस्ट्रीज वगैरह को हाईटेक की, और ये भी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के अंदर डिसरप्शन पैदा करता था. अच्छा, यहाँ पे अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो आपके आइडियाज होते हैं किसी भी सिनेरियो के, चाहे वो नेटवर्क के हों, चाहे साइबर फिजिकल ये जो सिस्टम होते हैं इनके सिनेरियो में हों, उनके आइडियाज को ट्रेन करने के लिए आपको डेटा सेट चाहिए होता है. अब डेटा सेट या तो आपको बनाना पड़ेगा या बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बना बनाया मिल रहा है तो ज़ाहिर है वो भी कभी ना कभी किसी ने बनाया होगा ना, तो तभी आप तक पहुँचा है. और अगर अवेलेबल नहीं है या अगर वो पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, देन फिर अगर आपको अगर पुराने डाटा सेट पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर है और आप नई टेक्नोलॉजी के हवाले से आइडियाज बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको नई टेक्नोलॉजी के हवाले से डाटा सेट भी चाहिए होगा. तो अब इनके लिए जो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, जो कि इस एपीटी के केस में जो है ना अच्छे खासी मुसीबत का सबब बनते हैं, वो चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट थे इसलिए कि एपीटी का कोई यूनिक पाथ नहीं होता. ठीक है, स्कैनिंग है ना नेटवर्क की, तो उसका एक स्टैंडर्ड पाथ है. आपको पता है कि स्कैनिंग इस तरह से परफॉर्म होती है, उसके यही तीन वेज हो सकते हैं किसी भी नेटवर्क को स्कैन करने के ना, तो आप उन्हीं तीन स्कैन के पैटर्न जनरेट करके उसके ऊपर आइडियाज को ट्रेन कर सकते हैं. लेकिन एपीटी जो है वो बिल्कुल नई तरह से सोचते हैं, और उसके अंदर कोई अटैक का एक वेक्टर नहीं होता कि अटैकर इसी तरह से आएगा, वो कोई भी वे आउट इख्तियार कर सकता है जो भी उसके हिसाब से मोस्ट मॉडर्न और हाईली टेक्निकल हो. तो इसलिए अब आप को यूं समझ लें कि हर डाटा सेट के लिए मे बी आपको हर अटैक के लिए आपको एक नया डाटा सेट क्रिएट करके, जो कि उस अटैक के पैटर्न को देख रहा हो, आपको मतलब उसके ऊपर आइडियाज को ट्रेन करना पड़ेगा. और देन अगर आप ये काम कर भी लेते हैं तो ठीक है, पहली बार तो डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो एपीटी का जो अटैकर है वो जब देखेगा कि मेरा ये वाला पाथ डिटेक्ट होना शुरू हो गया है और अब आइडियाज में कैपेबिलिटी आ गई है कि वो इस तरह के अटैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
तो फिर क्या होगा कि वो अपनी उन वेज को चेंज कर देगा अकॉर्डिंगली. अब क्या होगा कि अब आपका फिर वो जो आइडियाज है वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि अब जो अटैक है वो नए पैटर्न पे आ रहा है और आपके आइडियाज की जो ट्रेनिंग हुई है पुराने पैटर्न पे हुई है. तो इस तरह से मतलब आपके लिए फिर एक नए तरीके नए सिरे से अब आपको डेटा सेट को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर आइडियाज को रिट्रेन करना पड़ेगा. और तीसरा और सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि चूंकि इस तरह के अटैक्स में अटैकर को कोई जल्दी नहीं होती, तो वो बड़े सुकून से काम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेटवर्क पे स्कैनिंग हो रही है, तो अगर एक बंदा वो 255 के 255 एक सबनेट की आईपी एक ही टाइम में स्कैन करता है, तो वो फौरन से अलर्ट हो जाएगा कि यार ये 255 स्कैनिंग की रिक्वेस्ट आ रही है. लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं रोजाना एक सिर्फ आईपी स्कैन करूंगा, तो अब एक आईपी की स्कैन का तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई इस तरह की स्कैन की रिक्वेस्ट आई है बाकी नेटवर्क के अंदर ना. तो ठीक है कि पहले टारगेट जो अटैकर है उसको 255 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो उसका जो कि टारगेट जल्दी नहीं है, उसका मकसद है कि मैं कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गेन करूं वो भी अनडिटेक्टेड रहते हुए. तो उस सूरत में ये एक बड़ा इशू हो जाता है कि आपका जो डेटा सेट होता है उसमें इस तरह की स्लो अटैक को कैसे मॉनिटर किया जाए. अब इशू क्या होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अटैकर बड़े आराम से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको भी एक दिन या एक घंटे के डेटा सेट के ऊपर बेस नहीं करना पड़ेगा, आपको एक महीने या दो महीने का डेटा सेट चाहिए होगा नेटवर्क का. अब आप देखें कि हमारे नेटवर्क पे कितनी ट्रैफिक होती है, तो अगर आप एक महीने का डेटा सेट लें तो वो ना जाने कितने टेराबाइट्स में चला जाएगा. अब इतने ज़्यादा टेराबाइट आप कलेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन अब उसकी स्टोरेज, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी एनालिसिस, वो एक नई मुसीबत बन जाएगी. उसके लिए बिग डेटा की प्रॉब्लम में चली जाएगी. तो अब आप एक प्रॉब्लम तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम था जिसको आप हैंडल कर रहे थे, साथ ही आपके सामने एक और इशू आ गया कि चलो यार सिक्योरिटी प्रॉब्लम को तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, अब इस डेटा सेट की मैनिपुलेशन के लिए अब हमें बिग डेटा का कोई एक्सपर्ट चाहिए सिक्योरिटी वालों के साथ, जो हमें ये बताए कि इतने बड़े डेटा को जो कई टेराबाइट्स पे या मे बी इससे भी ज़्यादा हों उसको कैसे मैनेज किया जाए या उसको कैसे हैंडल किया जाए. तो ये इशूज थे, ये चैलेंजेस थे जो इन्होंने हाईलाइट किए इस पेपर में. उसके बाद जहाँ तक डेटा सेट की बात आती है, यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि आगे आप रिसर्च वगैरह में भी ये थोड़ी सी काम आएंगी. सॉरी मैंने देखा नहीं, कोई मैसेज वगैरह आ रहे हैं शायद चैट में. फैसल मेरी क्वेश्चन है इसमें, मैंने भी मैसेज ये किया कि सेशन एंड हो जाता है तो सेम लिंक से हम ज्वाइन कर लेंगे इसको. जी श्योर. हाँ बाकी या फिर ये कि अभी पहले क्वेश्चन ही ले लें जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे. कोई है क्वेश्चन अभी? नहीं मेरे ख्याल है ये मैम मदीहा ने किया है. एपीटी क्या होते हैं? तो आई थिंक एपीटी को मैंने, हाँ ये तो हो गया है, आंसर हो गया है, कॉपी होगी इसमें भी वो अवेलेबल होगा. ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल एंड करके और आप दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ये जस्ट 2 मिनट्स से 3 मिनट्स है ऑलमोस्ट. चलिए मैम आप इसको एंड करते हैं. दूसरा ये कि सब लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, अभी एक कोई अपने नाम से आपने ज्वाइन करना होता है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो, तो अभी कोई नाम नहीं था, मैंने एनोनिमस रख दिया नाम, तो आप अपना नाम जो असली नाम है वो अच्छा होगा उसको रखें, तो नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करें तो अपने रियल नेम से ज्वाइन करें. तो ठीक है मैं सेशन एंड करती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से ज्वाइन करूँ. जी मैम.